सत श्रीकाल जी, एक नवी वीडियो के तुहाडा स्वागत है। तो अज दिल्ली दे विच मेरा दूसरा दिन है, तो आओ आप गुरुद्वारा बंगला साहब जाते हैं। सब तो पहला गुरु साहब के दर्शन करते हैं, तो फिर आप दिल्ली का जो अगला सफर शुरू करते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के नाल संबंधित है, और गुरु हरकृष्ण साहब जी इत्थे बहुत समा रहे थे। उन्होंने गरीबों दुखियों की बहुत ज़्यादा सेवा की। एक गुरुद्वारा साहिब गुरु साहिब के समय तो लैके हुण तक लगातार गरीबों बेसहारा की बहुत ज़्यादा एक बड़ा सहारा बनता आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में जो कह लो कि तुम एक तरह कह लो होमलैस है, उन्होंने इतने आके लंगर छकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इतने आके ठहरते भी है। सो मैं तुहानू दर्शन कराना जी गुरुद्वारा साहब के। तो गुरुद्वारा साहब के आस पास का जो इलाका है उत्थे ज़्यादातर सरकारी इमारत है, सरकारी दफ्तर है, और मैं इतने देख रहा कि बहुत सारे फॉरनर भी इतने आए हुए हैं। तो गुरुद्वारा साहब की इमारत बहुत ज़्यादा सोहनी बनी हुई है। सो आओ आप हुण जोड़ा घर वाल जाने, तो अपने शूज़ उत्थे जमा करवा दें, तो अपना बैग भी इत्थे जमा करवा दें, ता जो असी बिल्कुल आराम नाल फ्री माइंड होकर इत्थे गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन कर सकीए। सो आओ हुण आपां गुरुद्वारा साहिब दे अंदर चलते हैं। दोस्तों इत्थे जगह जगह पर लिखा हुआ है कि गुरुद्वारा साहिब दे अंदर वीडियो बनानी मना है, सो इस करके मैं ज़्यादा वीडियो बनाई भी नहीं। सो जिथे भी मेरी कोशिश हुई कि एक तरह तुहानू गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन कराने के मकसद नाल ही मैं वीडियो बना रहा है। सो जिथे थोड़ी बहुत कोशिश मेरी हुई है कि जिन्ना हो सके मैं तुहानू दर्शन करवा सकां, सो इत्थों तुसीं कड़ा प्रसाद लै सकदे आ जी। सो आओ आपां अंदर चल के हुण गुरुद्वारा साहिब दे अंदरों दर्शन करते हैं जी। सो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बनाने की इजाज़त ना होने कारण मैं वीडियो बनाई भी नहीं ज़्यादा। सो जेकर तुसी भी दिल्ली जाते हैं तो गुरुद्वारा बंगला साहिब के दर्शन जरूर करियो। उम्मीद करता हूँ कि तुहानू वीडियो वधिया लगी होगी। फिर मिलते हैं जी किसी नवी वीडियो के नाल। तद तक लई धन्नवाद, सत श्री अकाल जी।